कॉमेडियंस कपिल शर्मा इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के बारे में बुराई हो रही थी। दी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा और उनके शो पर आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म की टीम को शो में बुलाया नहीं गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के बहिष्कार करने की अपील होना शुरू हो गई थी। कपिल को भी लोग खरी खोटी सुनाने लगे थे, मगर कपिल शर्मा ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब इस मामले पर शो के एक्टर अनुपम खेर ने सच बता दिया है, जिसके बाद कपिल शर्मा ने चैन की सांस ली है। कपिल ने अनुपम खेर को सच बताने के लिए शुक्रिया भी कह दिया है। अनुपम खेर ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, जहां पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताई है। I don't think Kapil has any malice towards us or towards the film. To be very honest with you, I don't think that is the thing. जब अनुपम खेर से एंकर ने पूछा कि कपिल शर्मा शो एक कॉमेडी शो है, इसमें इतना गहरा मुद्दा डिस्कस किया जा सकता था, इस पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि मुझे कहना होगा कि कपिल की तरफ से मेरे पास फोन आया था। अनुपम खेर ने कहा कि मैंने अपने मैनेजर से कहा कि ये फिल्म बहुत सीरियस है, इसके लिए मैं शो में नहीं जा सकता हूँ। कपिल की तरफ से 2 महीने पहले मेरे पास फोन आया था, मैं इस शो में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये एक फनी शो है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।